let's go for the next note. What the next note says, for example, आपके पास एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ठीक है, देखो इसको, ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ए बी और ये सी, राइट एंगल सी पे है, ठीक है, ये राइट एंगल सी के ऊपर है, ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं बी एंगल के लिए, ठीक है. सो व्हाट विल बी साइन बी, साइन बी विल बी नथिंग बट अपोजिट, दैट इज नथिंग बट ए सी बाय हाइपोटेनस, दैट इज नथिंग बट ए बी, ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट थिंग. अब मैं क्या करता हूँ, ये ट्राइंगल को एज इट इज रखता हूँ, इसके दोनों साइड्स को एक्सटेंड करता हूँ. कौन सी साइड्स को एक्सटेंड करता हूँ, इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ और इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है, और यहां पे स्टॉप करता हूँ और यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है. तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है, ठीक है, ये पॉइंट को मान लेते हैं P और ये पॉइंट को मान लेते हैं Q. व्हाट वी आर डूइंग इज, इस साइड को एक्सटेंड करते हैं P पॉइंट तक, इस साइड को एक्सटेंड करते हैं Q पॉइंट तक, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट थिंग, अब मुझे बताओ, इफ आई एम, दिस इज इन ट्राइंगल, ये किसी ट्राइंगल के अंदर है, तो इन ट्राइंगल एबीसी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. नेक्स्ट, फिर मैं बोल सकता हूँ साइन बी क्या होगा, इधर से साइन बी आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज अपोजिट, दैट इज नथिंग बट पी क्यू बाय बेस, दैट इज बी क्यू, ठीक है. तो आपके पास आ गया, सॉरी, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो आ जाएगा पी क्यू बाय पी बी, ठीक है. दिस विल बी साइन ऑफ एन एंगल बी, दिस इज इन ट्राइंगल पी बी क्यू, ठीक है. तो आपके पास आ जाएगा इन ट्राइंगल पी बी क्यू, ठीक है. ओके, अब देखो साइन ऑफ एन एंगल बी क्या है, ए सी बाय ए बी, साइन ऑफ एन एंगल बी क्या है, पी क्यू बाय पी बी. तो अगर मैं ये रेशियो नहीं लिखता हूं लेकिन साइन ऑफ एन एंगल बी लिखता हूं, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा आपको, मैं आपको वो बताना चाहता हूं, ठीक है. अब देखो ये दोनों चीजें आपको मिल गई है. अब एक और चीज आप देखो, क्या आपको यहां पर कोई ट्राइंगल्स का रिलेशन लग रहा है, देखो, कैन यू सी सम रिलेशन इन ट्राइंगल. देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ए बी सी एंड इट्स ट्राइंगल पी बी क्यू, ये इसके परपेंडिकुलर है, करेक्ट. तो ये 90 है, ये 90 है और ये कॉमन एंगल है, तो मैं बोल सकता हूं ये दोनों ट्राइंगल, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर है. देखो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, आपस में सिमिलर है. So when triangles are similar, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता, तो यहां से हम ये चीज नहीं बोल सकते, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी बी क्यू, ठीक है. सो व्हेन आई एम ड्राइंग अ परपेंडिकुलर, ट्राइंगल सिमिलर बन गए. सो इन दैट केस कैन आई से दैट, कैन आई से दैट ए सी बाय पी क्यू, क्या ले रहा हूं मैं, ए सी बाय पी क्यू ले रहा हूं, इज इक्वल्स टू, कैन आई से दैट इट्स नथिंग बट ए बी बाय पी बी. तो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, सिमिलर क्या है, बाय ए ए क्राइटेरिया. अब जिनके लिए ए ए क्राइटेरिया अंडरस्टूड नहीं है, देख लो, एंगल बी दैट इज कॉमन और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू दैट इज 90 डिग्री, ये भी गिवन है आपको, ठीक है. तो यहां से आप बोल सकते हैं ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाय पी बी. अब यही चीज लिखिए, देखो ए सी बाय ए बी एंड पी क्यू बाय पी बी, यही चीज लिखी यहां पर, देखो. तो ये क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, देखो यहां से आपको पता चला कि ये दोनों चीजें इक्वल है, तो ये क्या इंडिकेट करता है. फर्स्ट चीज जो आपको क्लिक होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सिमिलैरिटी भी हम लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, या ट्रिग्नोमेट्री भी हम लगा सकते हैं सिमिलैरिटी में, ठीक है. सब कुछ इंटर रिलेटेड है ना, ऐसे कुछ नहीं है कि मैंने सिमिलैरिटी पढ़ा तो वो सिर्फ वो चैप्टर तक ही लगा सकते हैं, उसको हम कहीं भी लगा सकते हैं. मैं सर्कल्स पढ़ता हूं तो लगा सकता हूं, मैं ट्राइंगल्स में तो लगाते ही हूं, ट्रिग्नोमेट्री में भी लगा सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब देखो, हमेशा बार बार मुझे सिमिलर प्रूफ नहीं करना पड़े, हमेशा मुझे बार बार सिमिलर प्रूफ करके रिजल्ट नहीं निकालना पड़े, है ना, इसीलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री के पास गया, ठीक है. सिमिलैरिटी का शॉर्टकट ट्रिग्नोमेट्री है. तो इससे आपको क्या पता चला है, यू केम टू नो दैट साइन ऑफ एन एंगल बी इज ए सी बाई ए बी, साइन ऑफ द सेम एंगल इज अगेन पी क्यू बाई पी बी, एंड दैट इज ऑलवेज रिमेनिंग सेम. सो इसका मतलब क्या है, सो वॉट डज इट इम्प्लाई, अभी आप नोट लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लिखवा रहा हूं वो नोट है, ठीक है. तो व्हाट डज दिस नोट मीन, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो ये बी क्या है, ये बी एक एंगल है, क्या है ये बी, ये बी एक एंगल है, तो इसको लिख लेंगे. व्हाट इज दिस बी, बी इज नथिंग बट एन एंगल, ये बी क्या है आपके पास, एक एंगल है, ठीक है.
So what we are trying to say, the value of the trigonometric ratio does not change with the change in the triangle. ठीक है, जैसे ट्राइंगल चेंज होता है वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द ट्राइंगल बट रिमेन्स सेम इफ द एंगल इज सेम. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नोट हो गया. व्हाट इज द सेकेंड नोट? द वैल्यू ऑफ trigonometric ratio, the value of trigonometric ratio is fixed with respect to the given angle, with respect to the given angle. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको. अगर आपने बोला साइन ऑफ 15 डिग्री, ये हमेशा सेम रहेगा, दिस विल हैव ऑलवेज अ फिक्स्ड वैल्यू. ठीक है, फिर आप 15, फिर आपने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है जिसमें ये 15 है, या इसको बड़ा कर दिया आपने, या इसको और बड़ा कर दिया, या और बड़ा कर दिया. ठीक है, सो दिस एंगल इज 15 विच मींस साइन ऑफ 15 डिग्री विल बी अ फिक्स्ड वैल्यू. है ना, 15 डिग्री फिक्स्ड है तो साइन ऑफ 15 डिग्री आपको एक फिक्स्ड वैल्यू देगा. वो ये नहीं देखेगा कि आपका कौन सा ट्राइंगल में आप बात कर रहे हो. आप इस ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हो तो ये बाई ये रेशियो सेम होगा. अगर आप इस ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हो तो दिस बाय दिस रेशियो विल बी केप्ट इन सच अ वे दैट ये हमेशा एक कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा. सो व्हाट इज द कंक्लूजन मैंने इसमें से ड्रॉ किया है कि इफ द एंगल रिमेन्स सेम, इफ द एंगल रिमेन्स सेम, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू विल रिमेन सेम. ठीक है, इसका प्रूफ हमने सिमिलैरिटी से निकाला है. तो हमेशा मैं बार बार ये बाई ये रेशियो, ये बाई ये रेशियो हम सिमिलैरिटी से नहीं निकालेंगे. मैं बोलूंगा यहां से मैं बोल सकता हूं tan of 15, tan of this angle, है ना. मान लेते हैं ये एंगल कोई आपका x है. ठीक है, तो मैं यहां से बोलूंगा tan x. तो यहां से tan x इस ट्राइंगल में क्या आ जाएगा? ac by bc. और tan x बड़े वाले ट्राइंगल में क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा pq by bq. तो अगर आपका एंगल x फिक्स है तो उसके लिए tan x भी फिक्स होगा ही होगा. ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू एंगल पर डिपेंड करती है. सो यहां पे tan x है, यहां पे भी tan x है, तो दोनों इक्वल है. तो AC by BC is PQ by BQ. ये आप सिमिलैरिटी से भी निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री इज अ शॉर्टकट. सो प्लीज नोट दिस डाउन, रिवाइज व्हाट वी हैव डन, देन वी विल बी गोइंग फॉर ऑल द गुड क्वेश्चंस. ओके,